आपका SCS क्लासेस में ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे थे, यूपी कांस्टेबल पुलिस परीक्षा 2023 निरस्त कर दी गई है। अगर ना देखा हो तो ये देखिए, ऑफिशियल साइट हमारी आ चुकी है, जिसमें योगी जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 हुई थी उसको निरस्त करने के लिए आदेश दे दिया है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि 6 माह के अंदर पुनः परीक्षा कराने के आदेश भी दिए गए हैं। तो देखिए क्या लिखा है, देखो योगी आदित्यनाथ की ऑफिस साइट से कि आरक्षी परीक्षा पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं, और परीक्षाओं की शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। तो ये परीक्षा जो है वो कैंसिल कर दी गई है, और जो दोबारा री एग्ज़ाम उसका होगा वो 6 माह के अंदर कराकर भर्ती करने का आदेश दिया गया है। तो देखिए, और युवाओं के साथ मेहनत के साथ खिलवाड़ करने के किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। ये देखिए, और हमारी ऑफिशियल साइट में देखते हैं, देखिए ऑफिशियल साइट से भी आ चुका है। ऑफिशियल साइट में क्या बताया गया, देखिए गृह विभाग की तरफ से दिया गया है कि दिनांक 17 व 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। साफ साफ कह दिया गया है कि परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि जिस स्तर पर लापरवाही बरती गई है उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ठीक है। और शासन ने प्रकरण के साथ STF से कराए जाने का जो जांच है वो STF से कराए जाने का निर्णय लिया। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने 6 माह के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो जो भर्ती हुई है वो कैंसिल हुई है, साथ में ही अब बच्चों को जो आने जाने का जो व्यय हुआ था उसको फ्री कर दिया गया, अर्थात अब परीक्षा देने जाएंगे अगर बच्चे तो उनको परिवहन की शिक्षा, जो परिवहन है परिवहन वो मुफ्त कर दिया गया है, अर्थात अब बसों से जो यात्रा करेंगे वो उनके लिए फ्री कर दिया गया है, परिवहन को मुफ्त कर दिया, निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा थी 2023 की वो निरस्त कर दी गई है दोस्तों, निरस्त हो गई है, और 6 माह के भीतर इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, 6 माह के अंदर। तो आप लोग, अगर आपका पेपर अच्छा ना गया हो, आपको लगा हो कि नकल हुई है और हम नहीं पास हो सकते हैं, तो एक सुनहरा अवसर है आपके पास, एक गोल्डन चांस मिला है, जिससे कि आप जो 2023 की जो परीक्षा थी उसमें आपने अच्छा ना किया हो, लेकिन अब जो है आप अच्छा करके और एक पद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप तन मन धन से सभी प्रकार से लग जाइए दोस्तों, और एक सीट अपनी पक्की करिए। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।